अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम जो ग्राफ थ्योरी में जो ग्राफ्स के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो का पार्ट टू है अभी। तो हम इस वीडियो में साइक्लिक और एसाइक्लिक ग्राफ पढ़ेंगे, वेटेड ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रिवियल ग्राफ पढ़ेंगे और नल ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइक्लिक ग्राफ बेसिकली एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके एन वर्टिसेस होते हैं और हर टाइम जो एन होता है वो थ्री या थ्री से ग्रेटर होता है, मतलब थ्री से कम नहीं हो सकता। और ये जो एन एजेस होते हैं वो एक सर्कल बनाते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। तो वो ग्राफ जिसमें एक एक भी सर्कल हो, मिनिमम एक सर्कल हो, तो उसको हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं ए साइक्लिक ग्राफ। बेसिकली वो ग्राफ होता है जिसमें साइकिल नहीं होता, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है। यहाँ पर वेटेड ग्राफ बेसिकली उस ग्राफ को कहते हैं जिसके एजेस में वेट्स लेबल्स होते हैं, जैसा कि नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देख लें तो इस ग्राफ में बेसिकली जो 4, 2, 5, 4 ये सब वेट्स हैं जो हमने एजेस पे लगाए हुए हैं। तो अगर हम ये मालूम करना चाहें कि ग्राफ का लेंथ कितना है, तो हम इन वेट्स को प्लस करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो हमारा ग्राफ का लेंथ होगा। ट्रिवियल ग्राफ बेसिकली वो ग्राफ होता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो ग्राफ जिसका सिर्फ एक ही वर्टिस हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही वर्टिस है। इसके बाद हम आते हैं नल ग्राफ। बेसिकली उस ग्राफ को हम कहते हैं जिसमें कोई भी एजेस नहीं हो, सिर्फ वर्टिसेस हो।